हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट जीएसएससी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर पार्ट 6 के बारे में। अगर आप इसके पहले प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो आप ज़रूर उसको देख लें। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये सारे करंट अफेयर आपके आने वाले एग्ज़ाम उत्पाद सिपाही और विशेष शाखा सिपाही दोनों एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, ताकि आप सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से जान सके, समझ सके। और इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेट नंबर 6 करंट अफेयर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य की पहली गारमेंट इकाई कहाँ शुरू की गई है? तो झारखंड राज्य में हमारी पहली गारमेंट इकाई कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन हमारे पास है गेतलसुद, बी है इरवा, सी है नामकुम और लास्ट है टाटीसिल्वे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जान लेते इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, इरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड, वन संरक्षण के क्षेत्र में किन हैं ओमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया है? देखिए ये अवार्ड जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये जो क्वेश्चन पिछला बार भी पूछा गया था, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए वन संरक्षण के क्षेत्र में दिया गया है कौन सा अवार्ड, ओमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड दिया गया है 2017 में। और इसका पहला ऑप्शन हमारे पास है वंदना दुबे, दूसरा है रोशनी उराम, सी है जमुना टुडू और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन सफीना हुसैन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमुना टुडू इसका सही आंसर हो जाएगा। जमुना टुडू के बारे में जानना काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इनको झारखंड में टारजन लेडी के नाम से जाना जाता है। क्या? टारजन लेडी के नाम से इनको झारखंड में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये आप समझ गए होंगे। देखिए टारजन जो है एक जंगल से रिलेटेड शब्द है। क्या है? जंगल से रिलेटेड शब्द है, जंगल को जो बचाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप जान सकते हैं। इनको जो है पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है, जमुना टुडू को। नेक्स्ट हमारे पास है, नवनिर्मित पंचायत डोमचाच किस जिले में स्थित है? तो डोमचाच किस जिले में स्थित है पंचायत है ये। पहला ऑप्शन हमारे पास है पलामू, बी है रामगढ़, सी है गिरिडीह और लास्ट आपका कोडरमा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका, कोडरमा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चार, देख सकते हो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर, राज्य के किस विश्वविद्यालय में योग में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू की गई है? तो कहाँ पर इसकी पढ़ाई की गई है शुरू योग की? पहला ऑप्शन हमारे पास है कोल्हान, बी है सिद्धू कानू, सी है रांची और डी है विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रांची यूनिवर्सिटी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रांची यूनिवर्सिटी के बारे में एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम जो है यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। अच्छा, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे को ये आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। ये जो है भारत के जनसंघ है ना, भारत के जनसंघ संगठन के संस्थापक थे, तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पर इसका जो है विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है, देखिए देश की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी का शिलान्यास कहाँ किया गया? देखिए पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी तो कहाँ पर इसका शिलान्यास किया गया है ये आपका किया गया है। ऑप्शन नंबर ए चास में, बी धुरवा में, सी साक्ची में या फिर ऑप्शन नंबर डी चिरकुंडा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धुरवा। धुरवा कहाँ पर है? तो रांची में। कहाँ पर है ये? रांची में है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए एग्जाम में, निश्चित ही इनसे प्रश्न आपका बनेगा उत्पाद सिपाही में, विशेष शाखा भी सिपाही में भी, और झारखंड के आने वाले सभी परीक्षा में। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें। देखिए 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन, राज्य का 9वां नगर निगम कौन सा है ये आपको बताना। पहला ऑप्शन हमारे पास है मानगो,
ऑप्शन नंबर बी है गिरिडीह, सी है मेदिनीपुर और डी है आदित्यपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह को इस बार राज्य का 9वां नगर निगम चुन लिया गया है, बना दिया गया है। इसके पहले 8 थे, कितने थे? 8 थे। तो 8ों कौन से हैं? पहला आपका आदित्यपुर नगर, क्या है? आदित्यपुर नगर। दूसरा आपका चास नगर निगम। चौथा है आपका धनबाद। पांचवा है आपका देवघर। छठा है आपका हजारीबाग। और सातवां है रांची। और आठवां है आपका मेदिनीनगर। और नौवां तो हम आपको पहले ही बता दिए, गिरिडीह, जिसको इस बार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सुब्रतो कप 2017 की विजेता टीम कौन है? तो 2017 की विजेता टीम कौन है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारे पास है मोहन बागान, दूसरा है रेलवे, सी है सेल फुटबॉल एकेडमी बोकारो और डी है मोहम्मदन स्पोर्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, सेल फुटबॉल एकेडमी बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं, राज्य के किस जिले को दिव्यांगों की लिए रिकॉर्ड शौचालय निर्मित करने हेतु स्वच्छ भारत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, दिव्यांगों को है ना, रिकॉर्ड शौचालय निर्मित करने हेतु स्वच्छ भारत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन हमारे पास है रांची, बी है रामगढ़, सी है हजारीबाग और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास बोकारो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आपको आता हो। और नहीं आता है अगर आप, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका आंसर बता देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर 9, भारत का सबसे बड़े ताजे पानी के मछली घर की शुरुआत कहाँ की गई? देखिए, ताजे पानी के मछली घर की शुरुआत हमारे भारत में सबसे बड़े कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन हमारे पास है ओर मांझी, दूसरा है बेरमो, सी है धुरवा और लास्ट है डोरंडा। तो इनके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये जो है आपका और मांझी में, कहाँ पर? और मांझी जो कि रांची में स्थित है। कहाँ पर? रांची में स्थित है। और मांझी में ही आपका भगवान बिरसा चिड़ियाघर भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है, शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने किस गांव से की है? शहीद ग्राम विकास योजना। तो इसका ऑप्शन हमारे पास है भगनाडी, बी है उलिहातू, सी है चिंगरी और ऑप्शन नंबर डी है जरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उली हाथू। क्या हो जाएगा? उली हाथू। अच्छा, उली हाथू से कौन व्यक्ति यहाँ पर संबंधित है हमारे झारखंड के, ये बताइएगा, जो कि महापुरुषों में उनकी गिनती भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 11, देख सकते हैं, राज्य में किस जलप्रपात को सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात का पुरस्कार किसको दिया गया है? पहला हमारे पास ऑप्शन है लोध, जिसको लोधा जलप्रपात बोलते हैं आप। दूसरा है मिर्चैया, सी आपका गुरसंधू और लास्ट है आपके पास हुंडरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका हुंडरू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, झारखंड राज्य के 17वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए, 17वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? पहला ऑप्शन हमारे पास है वेंकैया नायडू, बी है रामनाथ कोविंद, सी है राजनाथ सिंह और डी है नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामनाथ कोविंद, जो कि वर्तमान के अभी हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। और ये जो है 2014 में, कब? 2014 में बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं और भारत के ये जो हैं 14वें राष्ट्रपति हैं। कितने नंबर के हैं? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा देखिए 13 नंबर, झारखंड के पहले महिला अभियंत्रण कॉलेज की शुरुआत कहाँ हुई है? तो महिला अभियंत्रण कॉलेज की शुरुआत कहाँ पर की गई है? पहला ऑप्शन हमारे पास है गोला रामगढ़,
बी है आपके पास पोखराहा पलामू, सी है मेसरा रांची और डी है आपका मानगो जमशेदपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोला रामगढ़। क्या? गोला रामगढ़ आपका सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जमशेदपुर की डैश केबीसी 9 की पहली करोड़पति कौन बनी है? देखिए ये एक महिला थी, है ना, जमशेदपुर की, जो कि केबीसी सीजन 9 की करोड़पति का इनाम जीती थी। पहला ऑप्शन हमारे पास है रश्मि सिंह, बी है प्रत्युषा बनर्जी, सी है आपके पास अनामिका मजूमदार और डी है अनुपम प्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रत्युषा बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हमारा, देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। देखिए क्या है, निम्न में से किस भाषा को झारखंड के स्कूली कोर्स में शामिल किया गया है? स्कूली कोर्स में शामिल किया गया, किसको शामिल किया गया है, कौन सी भाषा को? पहला ऑप्शन हमारे पास है तुलु, बी है मघी, सी है अंकिका और डी है कोंकणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोंकणी। क्या हो जाएगा? कोंकणी। देखिए झारखंड करंट अफेयर के साथ झारखंड जीके के लिए स्पेशल भी सीरीज हमारे चैनल पर चल रहे हैं, जिसमें हम आपको झारखंड के 1000 जीके जो आपके SI में पूछे गए थे उनका भी वीडियो अवेलेबल है। आप जा करके चैनल के प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो उसका मिल जाएगा, आप देख लें उसको जरूर। देखिए ऑप्शन, देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, UNFPA के आंकड़ों के अनुसार बाल विवाह के मामले में झारखंड को देश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देश में, देखिए देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है बाल विवाह के मामले में झारखंड को? तो पहला ऑप्शन हमारे पास है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय और लास्ट है चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय। देखिए तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है बाल विवाह के मामले में हमारा झारखंड को, जो कि काफ़ी दिक्कत वाली बात है, परेशानी वाली बात, अच्छी बात नहीं है। और देखिए इसमें एक वर्ड लिखा गया है UNFPA, इसका मतलब क्या? देखिए इसका मतलब होता है द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एक्टिविटीज़। क्या है? द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17 है, देख सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ? पहला ऑप्शन है हमारे पास 10 सितंबर 2017, बी है 2 अक्टूबर 2017, सी है 15 अक्टूबर 2017 और लास्ट है 15 नवंबर 2017। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2017 स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर इसको लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18 है, देख सकते हैं। झारखंड के किस व्यक्ति को फ्रांस में आयरन मैन की उपाधि से नवाजा गया है ना? क्या है? देखिए झारखंड के किस व्यक्ति को फ्रांस में आयरन मैन की उपाधि से नवाजा गया है? पहला ऑप्शन हमारे पास है कृष्णा प्रकाश, बी है कृष्णा तीरथ, सी है कृष्ण चंदर, डी है रजत सेठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कृष्णा प्रकाश। कृष्णा प्रकाश जो है ये हजारीबाग के रहने वाले, कहाँ के? हजारीबाग के रहने वाले निवासी हैं और ये जो है एक IPS ऑफिसर। क्या है? IPS ऑफिसर हैं। इनके बारे में अगर आपके पास और भी कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है तो आप हमें ज़रूर बताएं। इनको बहुत सारे चीज़ों में भी मेडल मिला है, तैराक वाले, दौड़ वाले, इस तरह के होते हैं स्पोर्टिंग आर्मी वाले में, तो इन्होंने वो भी किया है। देखिए 19 जो हमारा क्वेश्चन है, जोहार योजना की शुरुआत कब की गई? जोहार योजना की शुरुआत 2017, 18, 11 या फिर 2019 में की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कब की गई, तो 2000 यहाँ 17 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 2017 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या लिखा। देखिए झारखंड में चलाई जा रही जोहार योजना के कुल लागत बजट कितनी करोड़ है? जोहार योजना जो हम आपको बताएं इसका लागत क्या है, ये पूछा गया है। ऑप्शन हमारे पास है 1000 करोड़, 1100 करोड़, 1500 करोड़ या फिर 2000 करोड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1500 करोड़। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर ही लाइक करें, साथ ही साथ
वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी वीडियो का आनंद ले सके, जानकारी प्राप्त कर सके और आने वाले एग्जाम में बेहतर भी कर सके। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल के साथ बने रहें।